अम्बाला के शहजादपुर में आज ह्यूमन राइट वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आयोजित नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत लोगों को नशे के प्रति जागरूक किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक जश्नदीप सिंह रंधावा पहुंचे। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के तौर पर SDM सी जया शारदा ने शिरकत की और नशे की रोकथाम के बारे में लोगों को जागरूक किया। इस मौके पर SP ने क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, आज यहाँ पे शहजादपुर के अंदर एक ड्रग अवेयरनेस का प्रोग्राम रखा गया था, और इसमें क्योंकि देखिए मैं समझता हूँ कि इसमें जब तक जनता और पुलिस इकट्ठे नहीं होते और एकजुट इस पर कार्रवाई नहीं करते, तब तक नशे की दलदल से बाहर आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। इसलिए आज ये पहल की गई है कि जितने भी यहाँ के लोकल जो जनता के प्रतिनिधि हैं और पुलिस जो है इकट्ठे काम करेगी और जो भी सूचनाएं होंगी उसके ऊपर अमल करेगी, और जो अवेयरनेस है लोगों के अंदर गांव लेवल के ऊपर, लोगों को जो इस दलदल में फंस चुके हैं उनको सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेगी, ताकि हम दोनों साइड से डिमांड रिडक्शन और सप्लाई रिडक्शन दोनों के ऊपर काम करें और इस जल्दी से जल्दी इस प्रॉब्लम से निजात पाएं। सर, एक नशे को लेकर अभियान चलाया जा रहा है और ज़्यादातर नशा तस्कर केमिस्ट होते हैं, ऐसे में ड्रग विभाग को क्या निर्देश दिए गए हैं? देखिए, हमारे द्वारा भी अभी पिछले कुछ टाइम के अंदर हमने लगभग 70,000 नशीले कैप्सूल गोलियां हमने बरामद की हैं बाला पुलिस द्वारा पिछले 6 महीने के अंदर, और इसमें काफ़ी बार जो केमिस्ट हैं उनका भी रोल इसमें सिलता पाई गई है, और एक इसमें ये भी देखा गया कि ये काफ़ी इसमें जो गोलियां हैं ये UP से आनी मालूम हुई हैं, जिसमें हमने कार्रवाई करते हुए वहाँ के तस्करों को भी पकड़ा है। बल्कि हाल ही में कल हमने लखीमपुर खेड़ी का भी एक ऐसा ही तस्कर पकड़ा था, और बाकी ड्रग कंट्रोल में जो डिपार्टमेंट है उनके लिए ये और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये उन्हीं का मैंडेट है, तो उनको और ज़्यादा इसकी चेकिंग करनी चाहिए। कई बार देखने में आया कि किसी के पास लाइसेंस किसी और के पास है, चला कोई और रहा है, तो ये सारी चीज़ों को रेगुलरली उनके द्वारा चेक करना चाहिए ताकि किसी तरीके की पिलफरेज ना हो सके। SP ने कहा कि माँ बाप को पता भी नहीं चलता उनका बेटा नशा कर रहा है, नशा करने वाले लोगों को घृणा की नहीं बल्कि पीड़ित की नज़र से देखिए और नशा छुड़वाने में उनकी मदद करें। देश के युवाओं में आजकल नशे की लत बहुत देखने को मिल रही है, नशे की रोकथाम के लिए सरकार भी कड़े से कड़े कदम उठा रही है, लोगों को जागरूक करने के लिए तरह तरह के कैंप भी लगाए जा रहे हैं। अगर आपके आसपास भी कोई नशा करता है तो उसे रोकने की कोशिश करें, और इस नशे को लेकर आपकी क्या राय है, ये जागरूकता अभियान किस हद तक कारगर साबित होंगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सत्य खबर के लिए अम्बाला से कृष्ण बाली की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।